भौतिक विज्ञान की इस क्लास में हमारे कक्षा 12 विज्ञान वर्ग के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हमारा पाठ्यक्रम भी है, उसमें पहला अध्याय हमारा आता है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसमें सबसे पहले हम विद्युत आवेश से अपनी चर्चा शुरू करते हैं, और इसके बारे में आपने हाई स्कूल में भी उसका जो बेसिक अध्ययन है वो भी किया होगा। जब विद्युत आवेश का जिक्र आता है तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमें याद आने शुरू हो जाती हैं जो इस विद्युत आवेश जैसी भौतिक राशि से जुड़ी हुई हैं। अब जैसे कि आप देखते हो, सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, और पूरे दिन पहनने के बाद जब हम शाम को उनको बदन से अलग करते हैं तो अक्सर कभी कभी उन कपड़ों में चिड़चिड़ाहट की आवाज़ आती है, और हमारे बदन के जो रुआ है वो भी खड़ा हो जाता है। डेली हम अपना दर्पण में चेहरा देख करके अपने बाल संवारते हैं, तो बालों में जितनी बार आप कंघा मारते हैं बाल उतने ही खड़े होते चले जाते हैं। इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि बहुत सारी घटनाएं और भी है, जैसे बर्थडे पर आपने देखा होगा बच्चों के गुब्बारे से सजावट की जाती है और गुब्बारे फुलाते जाते हैं, और पता चलता है कि कोई कोई गुब्बारा अचानक ही फट गया या एक के बाद दूसरा फट गया। तो वो गुब्बारा क्यों फूट गया, उसके पीछे क्या कारण है, उसके डिटेल थोड़ा सा हम आगे चल के पढ़ेंगे। इसी तरह से बिजली का कड़कना, ये आज ही नहीं आदिकाल से लोगों के कौतूहल का विषय रहे हैं कि बिजली क्यों कड़कती है। बिजली कभी कभी कहीं गिर जाती है तो हमें उसके नुकसान का भी पता चलता है कि बिजली गिरने से इस तरीके से जान माल की हानि हुई है, तो वो गिरने का क्या कारण है। इस तरह के ऑब्जर्वेशन के बारे में जो पहला श्रेय अक्सर दिया जाता है वो ग्रीस का एक नागरिक थेल्स को दिया जाता है, जिन्होंने देखा कि एम्बर की रॉड को अगर हम रेशम से रगड़ें तो फिर उस छड़ से हम बहुत बारीक धूल के कण या तिनकों के कण या छोटे छोटे कागज के पार्टिकल ये आसानी से खिंच जाते हैं। आप एक देख रहे होंगे एक वीडियो में, एक बच्चा इसी तरीके से बालों में कंघा फेर करके और छोटे छोटे कागज के टुकड़े उठाने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे ऑब्जर्वेशन आदिकाल से भी होते आ रहे हैं, लेकिन जो हम घटनाएं हम जिनका जिक्र कर रहे हैं उनके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, तो उससे एक प्रैक्टिकल एनालिसिस करते हैं। मैंने चित्र में एक ब्लॉक, ये कुछ ब्लॉक दिखाए हुए हैं, आप देख सकते हैं ये कांच और ऊन या रेशम के कपड़े का एक पेयर है, ये भी कांच और ऊन के रेशम के कपड़े का पेयर है। इसी तरह से एक पेयर हमारा प्लास्टिक और बिल्ली की फर का है और एक दूसरा पेयर है। अब हम देखते हैं इनके बीच में म्यूचुअली आपस में रगड़ने से किस तरह की एक्टिविटी होती है, क्योंकि जो हमने पिछले एग्जाम्पल्स देखे हैं उन सब में एक प्रकार के वस्तु का दूसरे प्रकार की वस्तु से रगड़ने के कारण वो गुण उत्पन्न हो रहा था जो हम पीछे ऑब्जर्व कर रहे थे। तो ऐसे ही दो सतहों के रगड़ने से वो गुण किस तरह का व्यवहार करता है ये हम यहाँ पर देखेंगे। जब हम कांच की किसी छड़ को ऊन या रेशम की छड़ से रगड़ते हैं और रगड़ करके हम एक दूसरे से मान लीजिए दूर कुछ लटका कुछ दूरी पर लटका दें, इसी तरह से एक दूसरा पेयर हम एक दूसरे से कुछ दूरी पर लटका दें आपस में रगड़ करके, अब उस रगड़ी हुई कांच की छड़ को दूसरी कांच की छड़ के पास लाएं तो हम देखते हैं कि ये दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। और उसी तरीके से ऊन की दूसरी छड़ के पास पहली छड़ को लाएं या पहली के पास दूसरी को लाएं, ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। जबकि कांच की छड़ को जब हम ऊन या रेशम के पास लाते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, और इसी तरीके से ये वाली छड़ भी दूसरे को आकर्षित करती है। दूसरे पेयर में हम देखें प्लास्टिक को, अगर हम किसी प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली के फर से रगड़ करके एक दूसरे से दूर लटकाएं और एक दूसरा पेयर इसी तरह से हम रगड़ करके लटकाएं, तो लटकी हुई रगड़ने के बाद प्लास्टिक की पहली छड़ को जो दूसरी छड़ के पास लाते हैं तो देखने में आता है ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बिल्ली की फर दूसरी बिल्ली की फर के पीस को एक प्रतिकर्षित करती है, जबकि प्लास्टिक की छड़ बिल्ली की फर को आकर्षित करती है, और इसी तरीके से ये भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये एक वो व्यवहार है जो हम प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। यहाँ पर एक और अनोखा हमें ऑब्जर्वेशन मिलता है कि जो हमने रगड़ने के बाद जो कांच की छड़ लटका रखी थी, जब हम उसको घर्षित प्लास्टिक की छड़ के पास लाते हैं तो देखने में आता है ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी तरीके से ऊन या रेशम का कपड़ा बिल्ली की फर को, ये भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि कांच और बिल्ली की फर ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्लास्टिक की छड़ और ऊन का कपड़ा ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि इनके बीच में प्रतिकर्षणात्मक बल
जबकि इनके बीच में आकर्षण का बल उत्पन्न होता है। इसी तरह से अगर हम एक दूसरा एक्सपेरिमेंट का एनालिसिस करें, यहाँ आप देख रहे होंगे एक प्लास्टिक की, उसी तरीके से मैंने प्लास्टिक को बिल्ली की फर से रगड़ने के बाद लटका रखा है छड़ के रूप में, और कांच की छड़ को ऊन से रगड़ने के बाद लटका रखा है। और यहाँ मेरे पास अलग अलग तरीके से चार जगह पर पॉलीस्ट्रीन या सरकंडे की गोलियां लटकी हुई हैं, जिन पर अभी किसी तरह का कोई किसी दूसरी सतह से कोई घर्षण या कोई रगड़ नहीं की है। अब इस प्लास्टिक की इस छड़ को, जिसको हम फर से रगड़ चुके हैं, जब हम इस छड़ को इस पॉलीस्ट्रीन की गोली से टच करते हैं, और एक बार इसी प्लास्टिक की छड़ को इससे टच करते हैं दूसरी गोली से, तो देखने में आता है कि दोनों गोलियां जो एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं दर्शा रही थी, अब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगती हैं, और साथ ही साथ ये प्लास्टिक की छड़ भी दोनों को प्रतिकर्षित करती है। इसी तरीके से अगर कांच की छड़, जिसको हम ऊन की से रगड़ चुके हैं, उसको एक बार पॉलीस्ट्रीन की गोली से हम टच करें, कोई दूसरी गोली है वो, और एक बार दूसरी गोली से टच करें, तो हम देखते हैं कि दोनों गोलियां जो पहले एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं दर्शा रही थी, अब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगती है। इन दोनों के बीच में भी प्रतिकर्षण, यहां भी ये दोनों टच होने के बाद एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी, और कांच की वो छड़ इन नई जो गोलियां बन टच होने के बाद जो नए गुणों के आधार पर लटक रही हैं, इनको दोनों को ही प्रतिकर्षित करती हैं, जिस तरह से हमारी प्लास्टिक की छड़ पहली इन दोनों गोलियों को प्रतिकर्षित कर रही थी। यहाँ एक नई बात देखने में आती है, और वो ये कि जो पॉलीस्ट्रीन की ये वाली गोली इस गोली को प्रतिकर्षित कर रही थी, वो गोली इस दूसरी पॉलीस्ट्रीन की गोली को आकर्षित कर रही है। इसी तरह से ये वाली गोली इस वाली गोली को आकर्षित कर रही है, और ये दोनों गोलियां कांच की छड़ को भी आकर्षित कर रही हैं, और उसी तरीके से पॉलीस्ट्रीन की गोलियां जो कांच की छड़ से रगड़ने पर जो गोली हमारी दूसरी वाली है, ये दोनों गोलियां प्लास्टिक की गोली से भी आकर्षित हो रही हैं। यहां एक ऑब्जर्वेशन और मिलता है हमको, वो ये कि जब हम प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की फर से रगड़ करके एक दूसरे के बीच प्रभाव देख रहे थे, तो हम देख रहे थे ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं, लेकिन जब रगड़ने के बाद उस प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की फर से फिर से दोबारा से स्पर्श करा करके फिर लटका दें एक दूसरे से कुछ दूरी पर, तो हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में वो जो आकर्षण का प्रभाव था वो खत्म हो जाता है। इसी तरह से कांच की छड़ को ऊन या रेशम से रगड़ने के बाद जब हमने देखा कि दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी, तो उसी कांच की छड़ को उस ऊन या रेशम के कपड़े से दोबारा टच करने पर और फिर एक दूसरे के पास लाने पर हम देखते हैं कि वो आकर्षण का प्रभाव एक दूसरे से लुप्त हो जाता है। अब यहाँ ये तीसरा जो ऑब्जर्वेशन हमारा मिला है कि टच करने जो आपस में सतह रगड़ी गई थी, उन्हें आपस में एक दूसरे से संपर्क में ला दिया जाए, तो उनके बीच में आकर्षण का जो प्रभाव उत्पन्न हुआ था वो नष्ट हो जाता है। अब ये नष्ट होना और उत्पन्न होना, ये दोनों कहीं ना कहीं एक संकेत दे रहे हैं, और वो संकेत हमारा इसी भौतिक राशि से जुड़ा हुआ है। ये जो तीसरा ऑब्जर्वेशन है हमारा, जिसमें कि हमने दो सतहों को एक दूसरे से रगड़ने पर फिर एक दूसरे को टच कर करके वो गुण हमने नष्ट होते हुए देखा, इसका मतलब है कि वहाँ जो गुण उत्पन्न हो रहा है, वो गुण रगड़ने से अगर उत्पन्न हुआ है, तो वही दोनों सतहें एक दूसरे के संपर्क में आने पर वो गुण नष्ट भी हो रहा है। उसी गुण को जो दो सतहों के आपस में रगड़ने से उत्पन्न होता है, उसे ही हम विद्युत आवेश कहते हैं। इसका मतलब है कि जब दो सतहें दूसरे से रगड़ती हैं, तो वहाँ जो भौतिक राशि उत्पन्न होती है या जो भौतिक राशि वहाँ प्रभाव दर्शाती है, वही हमारा विद्युत आवेश है। और हम कहते हैं कि चूंकि दोनों सतहों पर वो गुण उत्पन्न हुआ है, विद्युत आवेश उत्पन्न हुआ है, तो हम कहते हैं वो सतह हम आवेशित हो गई, चार्ज हो गई। और निश्चित रूप से जब दोनों को हमने आपस में टच किया और वो गुण समाप्त भी हो गया, नष्ट भी हो गया, तो वहां से एक संकेत हमें मिलता है कि इसका मतलब है वो आवेश दो प्रकृति का होगा। वो विद्युत आवेश, उस विद्युत आवेश की जो नेचर है वो दो प्रकार की होगी। और जिस तरह से हमारी संख्याएं अगर शून्य दो भागों में टूटता है, एक प्लस पांच और एक माइनस पांच में, तभी ये दोनों मिलकर के
आपस में शून्य हो सकते हैं। इसका मतलब जो गुण उत्पन्न हो रहा है वही आपस में संपर्क में आने पर नष्ट भी हो रहा है। तो यहाँ एक हमें निष्कर्ष प्राप्त हो रहा है कि जो गुण उत्पन्न हुआ है वो दो प्रकार का होगा, जिसमें एक प्रकार का आवेश धनावेशित और एक प्रकार का आवेश ऋणावेशित होगा। इसका मतलब जब भी दो सतह एक दूसरे पर रगड़ेंगी, एक दूसरे से रगड़ खाएंगी, तो निश्चित रूप से उनमें से एक सतह पर धनावेश और एक सतह पर ऋणावेश उत्पन्न होगा। और हम कहेंगे कि दोनों सतह आवेशित हो गई। जिस पर धनावेश का गुण उत्पन्न आएगा उसे कहेंगे धनावेशित हो गई, और जिस पर ऋणावेश गुण उत्पन्न होगा उसे कहेंगे ऋणावेशित हो गई। यहाँ ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो भेद हो रहा है, आवेश की जो गुण में हमें भेद दर्शाता है, वो फैक्टर कहलाता है पोलरिटी, यानी कि आवेश की ध्रुवता, जिससे हम कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं कि जब भी दो सतह आपस में रगड़ती हैं तो वहाँ ध्रुवों की आवेश की जो ध्रुवता है वो दो तरीके से निर्धारित होती है, पॉजिटिव रूप में और एक नेगेटिव रूप में। अब ये जो हमने यहाँ जो ऑब्जर्वेशन लिया इसमें या दूसरे प्रयोग में या तीसरे प्रयोग में, तो उसके पीछे कारण क्या है? तो उसके पीछे का कारण हम किसी पदार्थ में परमाणु के जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमाणु में बाहरी कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, बल्कि बाहरी कक्षा के ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनका नाभिक से जो आकर्षण बल होता है वो अंदर के इलेक्ट्रॉनों की तुलना में कुछ कम होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो कम एनर्जेटिक होते हैं, और इसलिए थोड़ी सी एनर्जी दे करके उनको परमाणु से बाहर निकाला जा सकता है। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उसके आकर्षण के कारण ही घूमता रहता है, और हर कक्षा का इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी के साथ घूमता है। तो सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को आसानी से हम बाहर से कुछ एनर्जी दे करके निकाल सकते हैं, और यही कारण है कि जब दो सतहें दूसरे से रगड़ती हैं तो वो जो घर्षण की एनर्जी है उस एनर्जी से ही किसी एक सतह का परमाणु का इलेक्ट्रॉन निकल करके किसी दूसरी सतह में पहुंच जाता है। और इलेक्ट्रॉन हमारा ऋणावेशित पार्टिकल है, ऋणावेशित कण की हम उसको उसकी ध्रुवता ऋणावेशित तय करते हैं। तो जब किसी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वहाँ हम कहते हैं कि वो सतह धनावेशित हो गई, और जब किसी सतह पर इलेक्ट्रॉन पहुँच जाते हैं तो वहाँ हम कहते हैं कि वो सतह ऋणावेशित हो गई। और इसी आधार पर हम यहाँ पर जो हमारे आकर्षण और प्रतिकर्षण की हम दोनों तरह की एक्टिविटीज यहाँ पर देख रहे थे उसका हम व्याख्या कर सकते हैं। आइए देखिए समझने का प्रयास करते हैं। जब मैं कांच के छड़ को ऊन या रेशम से रगड़ा था तो उस स्थिति में कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन आपके ऊन की तरफ या ऊन की कपड़े की ओर चले गए थे, और जब चले गए थे तो आप कह सकते हैं कि कांच की छड़ हमारी धनावेशित हो गई और ऊन या रेशम का कपड़ा हमारा ऋणावेशित हो गया। उसी तरीके से जब हम प्लास्टिक को बिल्ली की फर्श से रगड़ते हैं तो यहाँ बिल्ली की फर्श से प्लास्टिक की ओर कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और जब बिल्ली की फर्श से इधर आएंगे तो इसका मतलब आपकी बार बिल्ली की फर हमारी धनावेशित हो जाएगी, और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण ये सतह ऋणावेशित हो जाएगी। और उसी तरीके से जो हमारा दूसरा पेयर था, यहाँ भी कांच की हमारी छड़ पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और प्लास्टिक की ये छड़ नेगेटिव और बिल्ली की फर पॉजिटिव। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमें एक नया निष्कर्ष और मिलने जा रहा है कि जब कांच की छड़ को हम दूसरी कांच की छड़ के पास लाए थे तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी, तो यहाँ हमें निष्कर्ष मिलता है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि ये व्यवहार हमें रेशम के कपड़ों के बीच में भी दिखाई दे रहा है। वहां भी दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे, दोनों पर हम देख रहे हैं समान आवेश है। इसका मतलब सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और ये व्यवहार हम यहाँ पर भी पुष्ट होते हुए देख रहे हैं कि प्लास्टिक की एक छड़ समान आवेश के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी, और उसी तरह से बिल्ली की फर दूसरी बिल्ली की फर को धनावेशित होने के कारण एक दूसरे से समान आवेश होने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी। और अब देखिए कांच की वही छड़ ऊन या रेशम को आकर्षित कर रही थी, वो आकर्षण दिख रहा है हमको विपरीत आवेशों में, तो इसका मतलब निष्कर्ष निकला कि विपरीत प्रकृति वाले आवेश या विपरीत ध्रुवता वाले आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और ये हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि प्लास्टिक और बिल्ली की फर में दोनों में एक दूसरे से विपरीत आवेश था और ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। आप देखिए कांच और प्लास्टिक की छड़ के बीच में जब हमने
प्रयोग करके देखा था कि ये भी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे, तो उसका कारण भी दोनों के विपरीत आवेश होना था। और इसी तरीके से ऊन या रेशम के कपड़े और बिल्ली की फर, इन पर भी विपरीत आवेश होने के कारण ये भी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। इसका मतलब विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये जो हमने यहाँ पर दूसरी एक्टिविटी देखी थी, जरा इसमें उसी गुण को अप्लाई करके देखते हैं। जब हमने प्लास्टिक की छड़ को फर से रगड़ा था तो हमने देखा था हमारी प्लास्टिक की छड़ ऋणावेशित हो गई थी और कांच की छड़ हमारी ऊन की या रेशम के कपड़े से रगड़ने पर धनावेशित हो गई थी। अब जब हमने प्लास्टिक की उस छड़ को पॉलिस्टीन की एक गोली से टच किया जिस पर कोई आवेश नहीं है, जिस सतह पर कोई आवेश नहीं होता उसे हम कहते हैं अनावेशित। और अनावेशित होने का प्रभाव ये रहा कि जब हमने प्लास्टिक की छड़ को पॉलिस्टीन की गोली से टच किया तो टच करते ही अब दोनों सतह एक हो गई मिलकर के, और जब एक हो गई तो इसका ऋणावेश भी कुछ इस पर ऋणावेश के रूप में फैल जाएगा। यानी कि इसकी सतह पर जो इलेक्ट्रॉन हमारे किसी फर की रगड़ से बढ़ गए थे वो इलेक्ट्रॉन कुछ इस पॉलिस्टीन की गोली में भी चले जाएंगे, इसलिए ये गोली भी हमारी कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। और जब हम इसको इससे टच करेंगे तो ये भी ऋणावेशित हो जाएगी। और यही कारण था कि जब तीनों ही ऋणावेशित हो गई तो पॉलिस्टीन की गोली दूसरी पॉलिस्टीन की गोली को भी प्रतिकर्षित करेगी और प्लास्टिक की छड़ भी दोनों को प्रतिकर्षित ही करेगी। यही घटना कांच के बीच देखी जाए तो कांच को जब हमने ऊन के से रगड़ा तो ये धनावेशित हो गई, और ये धनावेश जब हम इसको दोनों पॉलिस्टीन की गोलियों से टच करेंगे बारी बारी से तो धनावेश का कुछ भाग इस पर भी धनावेश के रूप में फैल जाएगा और कुछ भाग इस पर भी धनावेश के रूप में फैल जाएगा। अब आप देख सकते हैं तीनों सतह धनावेशित हो गई और सजातीय होने के कारण ही ये पॉलिस्टीन की गोली इसको प्रतिकर्षित कर रही थी और ये पॉलिस्टीन की गोली कांच को भी प्रतिकर्षित कर रही थी। और यहाँ पर हमने जो एक अद्भुत ऑब्जर्वेशन देखा था कि ये दोनों पॉलिस्टीन गोली एक दूसरे को आकर्षित कर रही है, तो उसका कारण स्पष्ट नजर आ रहा है कि जो ये गोली है ऋणावेशित है और ये गोली धनावेशित है, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसीलिए ये गोली इस गोली को आकर्षित कर रही थी और उसी प्रकार से ये गोली भी इस गोली को आकर्षित कर रही है। और चूंकि ये गोली और इस गोली का आवेश एक दूसरे के विपरीत है इसलिए ये गोली इससे भी आकर्षित होगी, ये गोली इससे भी आकर्षित होगी। और उसी तरह का पेयर हम इसको इससे देखें तो कांच की छड़ इस गोली वाली गोली को पहली गोली को आकर्षित करेगी और ये इस गोली को आकर्षित करेगी। ये आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो प्रभाव हम देख रहे हैं वो ये ठीक इसी कारण है कि जब दो सतहें एक दूसरे से रगड़ी तो दोनों पर एक दूसरे से विजातीय आवेश उत्पन्न हो गया था और वो विजातीय आवेश का कारण ही था कि दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी। और जब हमने किसी आवेशित सतह को किसी दूसरी अनावेशित सतह के संपर्क में रखा था तो उसका आवेश भी कुछ उसकी सतह पर फैल गया था जिसके कारण दोनों सजातीय हो गई थी और सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण का प्रभाव हमने यहाँ देखा। एक तीसरा जो प्रभाव हमने देखा था कि जब हमने प्लास्टिक की आवेशित छड़ को बिल्ली की आवेशित फर से टच किया था तो हमने देखा वो आवेश नष्ट हो गया, तो उसका कारण यही था कि जब दोनों को हमने रगड़ा था तो इसकी सतह से जो इलेक्ट्रॉन निकल करके उस पर आए थे प्लास्टिक की सतह पर, जब दोनों को एक दूसरे के फिर दोबारा से संपर्क में लाया गया तो वो इलेक्ट्रॉन वापस उसके फर के अंदर पहुंच गई, या ये कहें कि दोनों सतहें एक हो गई। तो कुल मिलाकर कमी और वृद्धि, इलेक्ट्रॉनों की जो कमी और वृद्धि दोनों सतह पर थी वो मिलकर के यानी कि प्लस फाइव और माइनस फाइव मिलकर के एक तरीके से शून्य हो गया। और यही कारण था कि आवेशित रगड़ने के बाद दोनों आवेशित सतहों को फिर दोबारा से एक दूसरे के संपर्क में लाने पर वो आवेश नष्ट हो जाता है या वो सतहें फिर से अनावेशित हो जाती हैं। ये जो सजातीय आवेशों के बीच हमने प्रतिकर्षण देखा, जैसे कि कांच और कांच के बीच या प्लास्टिक प्लास्टिक की सतह के बीच या पॉलिस्ट्रीन जो आवेशित पॉलिस्ट्रीन और दूसरी पॉलिस्ट्रीन बॉल्स के बीच, तो इसको आप एक उपकरण है उसके माध्यम से भी समझ सकते हैं। वो उपकरण बड़ा सरल है, आप खुद घर पे बनाइए, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप यानी कि विद्युत दर्शी। उसका एक प्रतिरूप मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए ये कांच का एक बर्तन है, विद्युत दर्शी में भी इस प्रकार से ये कांच का बर्तन होता है। एक छड़ होती है चालक छड़ जो किसी एक कुचालक रॉड या कॉर्क के माध्यम से अंदर फंसी रहती है,
उसके एक सिरे पर दो एक जैसी बहुत बारीक एक समान धातु की या किसी परावर्तक पदार्थ की या किसी कुचालक पदार्थ की पिन्नी होती है, और एक तरफ कोई सतह होती है जिसको हम आवेश देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एक एल्यूमिनियम के रॉड में दूसरी तरफ अंदर की साइड प्लास्टिक की जो पिन्नी होती है उसकी दो पट्टियाँ काट करके समानांतर रूप में चिप लगाई हुई हैं, एक दूसरे से अलग हो सकती हैं, और इसको मैंने इसके प्लास्टिक का जो ढक्कन है उसके थ्रू इसमें एडजस्ट कर रखा है, और एक तरफ मैंने एल्यूमिनियम का फॉयल इस पर लपेट रखा है। तो ये अपने आप में इस प्लास्टिक के ढक्कन की वजह से इसकी जो चालक छड़ है वो इसकी सतह से आइसोलेटेड है। तो जो भी आप आवेश यहाँ पर देंगे, किसी भी आवेशित छड़ को जब इससे संपर्क कराएंगे तो उसका आवेश इसकी सतह पर फैल जाएगा, और इस छड़ से होते हुए जब उन दोनों पिन्नियों पर पहुँचेगा तो समान आवेश होने के कारण वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और जितनी क्षमता का यहाँ आवेश होगा, जितनी तीव्रता का या जितनी मात्रा का होगा, उसी तरह का हमको यहाँ पर प्रभाव दिखाई देगा। तो सामान्यतः इसको अगर हम बरसात के मौसम में छत पर ले जाकर रख दें तो हमको पता चल जाएगा कि वायुमंडल में आवेश बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो जैसे जैसे पत्तियों के बीच में हमको अगर अंतर दिखाई देता है, फैलाव दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि वायुमंडल में आवेश बन रहा है। इसी तरह से एक और प्रयोग कर सकते हैं आप, कि आप देखिए पिन्नी जो होती है उसकी एक पट्टी काटें और उस पट्टी को फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद ये दोनों पट्टियाँ जो है दोनों से एक दूसरे से चिपक जाएंगे। आप इसको रख करके इस पर प्रेस करें, तो जैसे कि आप प्रेस करेंगे या इसको घर्षित करेंगे किसी चीज़ से लगा करके, तो आप देखेंगे दोनों पट्टियाँ एक दूसरे से खुल जाएंगी। जितना आप इसमें रगड़न पैदा करेंगे उतना ही ये एक दूसरे से खुल जाएगी। आप इस देखिए, आप इस प्रयोग को बड़े इजीली कर सकते हैं। तो इससे हमें सजातीय पदार्थों के बीच प्रतिकर्षण का पता चलता है। एक मैंने पीछे बताया था कि जब सुबह को उठकर के दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं तो सूखे बालों में आप कंघा जितनी ज़्यादा जो बार मारेंगे उतना ही आपके बाल खुलते चले जाएंगे, क्योंकि सभी बालों पर घर्षण के कारण एक जैसा आवेश आएगा। प्लास्टिक का कंघा है आपका, तो रगड़ के कारण प्लास्टिक के कंघे पर तो नेगेटिव आएगा, आपके सारे बालों पर पॉजिटिव आएगा, तो सारे बालों के धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो आपके बाल फूलने शुरू हो जाएंगे। एक एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं आप, जिसमें एक बच्चे ने एक प्लास्टिक की बॉल, जो पॉलीथीन होती है हमारी, उसकी बॉल बना करके लटका रखी है, और एक दूसरी पॉलीथीन से उसको बालों में रगड़ करके उसको उसके पास टच करके दिखा रहा है। तो आप देखिए दोनों पर समान आवेश के कारण वो एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो रही है। तो इस तरह से ये आकर्षण या प्रतिकर्षण का प्रभाव आप अपने छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। तो हमने देखा कि जब दो सतहें एक दूसरे से रगड़ती हैं तो उन पर आवेश आ जाता है, वो सतहें आवेशित हो जाती हैं और उनकी ध्रुवता एक दूसरे के विपरीत होती है, जिसको हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के रूप में संज्ञा देते हैं, यानी कि एक सतह धनावेशित और एक सतह ऋणावेशित। जब वही सतहें एक दूसरे के संपर्क में ले जाती हैं तो वो संयुक्त आवेश एक दूसरे को निरस्त कर देता है, यानी कि टोटल आवेश फिर से जीरो हो जाता है, हम कहते हैं वो सतह अनावेशित हो गई। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी विद्युत आवेश के कारण ही हम पहचान पाते हैं कि जो हमारे चारों तरफ पदार्थ मौजूद हैं, चाहे वो ठोस या द्रव के रूप में है या गैस के रूप में है, कि उनमें से कौन कितना ज़्यादा चालक है विद्युत का आवेश का और कितना ज़्यादा विद्युत रोधी है, रजिस्टिव है। यानी कि जैसे आप देखते हो कि हमें कोई बिजली का काम करना होता है तो हम पैरों में हमें रबड़ की चप्पल या लकड़ी के किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े होना चाहिए ताकि करंट ना लगे। कभी कभी सर्दियों में जैसे हम गर्म कपड़े पहनते हैं तो अचानक पूरे दिन पहने पहने कभी कभी ऐसा होता है कि दीवार में किसी कील पर या किसी किवाड़ के हैंडल पर हाथ लग जाए या किसी कुर्सी लोहे की कुर्सी है उस पर हाथ लग जाए तो अचानक करंट सा लगता है, तो हमें लगता है यहाँ करंट है। तो अगर विज्ञान का विद्यार्थी है तो वो तो समझ जाएगा कि पूरे शरीर पर आवेश फैला हुआ था, तो वो सतह चालक थी, तो वो हमारा आवेश जो है वो पृथ्वी की ओर गति करी, उसने चला, तो इसलिए एक धारा का प्रभाव बना और हमें उसने करंट का एहसास कराया।
झटके का एहसास कराया, और वरना तो आप उसमें तर्क कर सकते हैं कि भाई यहाँ करंट है, बिजली है, जो कि थोड़ा सा ना बेकार की बात होगी। तो आवेश के चलने यानी कि आवेश के जो प्रवाह है उसके आधार पर हम पदार्थों को दो भागों में बांटते हैं, जिनमें से एक को कहते हैं चालक, जैसे कि लोहा है, तांबा है, बिजली के जो तार होते हैं हमारे घरों में उसमें तांबे का तार या एल्यूमिनियम का तार इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका मतलब है उसमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है, तो हम इनको कहते हैं चालक पदार्थ। हमारी पृथ्वी बहुत बड़ा चालक गोला है, इसको कितना ही आवेश दे दीजिए, कितना ही ले लीजिए इससे, तो ये भी अपने आप में चालक है। और विद्युत रोधी पदार्थ जैसे कि रबड़, आप देखते हैं बिजली के जो तार घर में फिटिंग होती है तो उन पर एक रबड़ की परत लगी हुई होती है ताकि तार से तार टच होने की संभावना ना हो। एक इनेमल्ड पॉलिश होती है जो अक्सर मोटर में बाइंडिंग होती है, जिस तार से उसमें ऊपर एक पॉलिश होती है तार पर, आप खुरच कर देखेंगे तो पॉलिश सी नजर आएगी, तो वो अपने आप में एक विद्युत रोधी है, क्योंकि तार एक दूसरे के संपर्क में है फिर भी वहाँ शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा है, तो वो जो लेप है, वो जो हमने पॉलिश की हुई है, वो अपने आप में विद्युत रोधी है। रबड़ की चप्पलें हमारी विद्युत रोधी हैं, लकड़ी की खड़ाऊँ हमारी विद्युत रोधी हैं। इस तरीके से विद्युत रोधी और चालक दो तरह से हम पदार्थों को विभाजित करते हैं। अगर मान लीजिए प्लास्टिक की छड़ और बिल्ली की फर दोनों एक दूसरे के हम संपर्क में ना ला करके कोई एक धातु की छड़ इन दोनों से टच कर दें, किसी धातु की छड़ का इन दोनों से संपर्क करा दें, तो हम देखेंगे तब भी वो आवेश जो दोनों पर विपरीत आवेश उत्पन्न हुआ था वो नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक सतह के जो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए थे वो वापस उस चालक छड़ से होते हुए जहाँ कम हो गए थे वहाँ पर जाकर उसकी पूर्ति कर देंगे, तो वो चूंकि चालक माध्यम था इसलिए आवेश का प्रभाव हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप कोई विद्युत रोधी पदार्थ लगा देते, कोई लकड़ी का टुकड़ा लगा देते दोनों से टच करके, तो इन पर अपना आवेश बरकरार रहता, क्योंकि लकड़ी से आवेश प्रवाहित नहीं हो पाता है, वो अपने आप में विद्युत रोधी है। तो ये हम अक्सर अपने डेली लाइफ में भी कहीं कहीं देखते हैं, जहाँ हमें करंट को पास कराना होता है तो वहाँ हम सुचालक पदार्थ लगा देते हैं, जहाँ हमें रोकना होता है तो वहाँ हम विद्युत रोधी पदार्थ लगा देते हैं, सर्किट टूट जाए। किसी भी आवेशी सतह को अगर हम पृथ्वी से संपर्क करा दें, तो अभी हमने बताया था कि पृथ्वी हमारा बहुत बड़ा चालक गोला है, इसको कितना भी आवेश दे सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं, इसकी अपने आप में धारिता बहुत ज़्यादा है। तो जब हम धनावेशी छड़ को पृथ्वी से संपर्क कराते हैं, तो धनावेशी छड़ का मतलब है, धनावेशी सतह का मतलब उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो पृथ्वी से उतने इलेक्ट्रॉन उसकी पूर्ति कर देते हैं तो उसका आवेश निरस्त हो जाता है, यानी कि वो छड़ अनावेशित हो जाती है। अगर ऋणावेशित है इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन पृथ्वी के भीतर संचालित हो जाते हैं, तब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की अधिकता शून्य हो जाती है, इसका मतलब फिर से वो छड़ अनावेशित हो जाती है। तो किसी भी आवेशित छड़ को पृथ्वी से संपर्क कराने पर वो छड़ आवेशित की बजाय अनावेशित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अर्थिंग, भूसंपर्कन। तो जहाँ हमें किसी सतह का आवेश शून्य करना होता है तो उसकी हम अर्थिंग कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जो बिजली के उपकरण होते हैं हमारे, उसमें तीन तार होते हैं, एक तार हमारा होता है लाइव वायर, एक होता है हमारा न्यूट्रल, और एक होता है अर्थ। तो अर्थ का जो वायर होता है वो हर बिजली के उपकरण में आवश्यक होता है। उसका कारण यही है कि जब भी आपके उपकरण में अतिरिक्त आवेश उत्पन्न होगा या बिजली की वो जो आवेश है वो उस उपकरण की सतह पर आएगा कहीं अगर टच होने से, तो तुरंत उस अर्थ वाले तार के माध्यम से वो सतह निरस्त हो जाएगी, यानी कि वो अनावेशित हो जाएगी ऑटोमेटिकली। लेकिन हम लोग लापरवाही करते हैं कि हम अर्थिंग के वायर को महत्व ही नहीं देते, जबकि देना चाहिए बिजली की फिटिंग में, तो हमारे उससे बिजली के जितने भी उपकरण हैं वो आसानी से बचे रहते हैं। तो इस तरीके से हमने विद्युत आवेश के बारे में, उसके ध्रुवता के बारे में जाना, और उस ध्रुवता के कारण उनके बीच जो सामान्य व्यवहार आकर्षण या प्रतिकर्षण का होता है उसको हमने समझने का प्रयास किया। अगले टॉपिक में हम इस आवेश के और गुणों के बारे में और आवेश का एक दूसरे पर प्रभाव, उसका गणितीय विश्लेषण, उस पर हम चर्चा करेंगे।